हाय गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पे आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस गुलफशा चौधरी जिन्होंने इस साल का यूपी जुडिशल सर्विसेस क्लियर किया है बहुत ही अच्छी रैंक से तो मैम आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे थैंक यू सो मच सबसे पहले मैम ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है क्लियर करके uh, काफ़ी अच्छी फीलिंग है बहुत hmm. अच्छा लग रहा है मुझे लगता है हर कोई यहाँ तक पहुँचने का सपना देखता है और यहाँ तक पूरा करके आना बहुत बड़ी बात है अच्छा बिल्कुल, <laughs> बिल्कुल 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 हुँ. तो इतनी बड़ी चीज हुई है सेलिब्रेशन का टाइम है हुँ. तो इससे पहले हम लोग शुरू करें आपकी एक बेसिक जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि हाउ डिड यू स्टार्ट किस तरीके से आपने अर्ली एजुकेशन ली और हुँ. फिर किस तरीके से लॉ की फील्ड में आई और किस तरीके से आपने फिर ये प्रोफेशन चूज किया अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं देवबंद से बिलोंग करती हूं अच्छा इट्स अ स्मॉल टाउन इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट तो so, वहाँ तक मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है अप टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में मैंने साइंस स्ट्रीम से करी थी उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड डू बी तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लिया बट अच्छा। बाद में लगा कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी लाइफ नहीं हो पाएगा <laughs> फिर उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट क्लैट थ्रू अ फ्रेंड और फिर एक साल ड्रॉप लिया क्लैट की तैयारी करी और देन आई गॉट इन रोल्ड हेयर इन आर उसके बाद पाँच साल बी भी किया हाँ। फिर एल एल एम यहीं से किया आफ्टर गिविंग क्लैट पी जी उसके बाद यू जी सी एग्ज़ाम क्लियर किया और अब मैं पी एच डी कर रही हूँ विच इज माई थर्ड ईयर तो मैम ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके रखे हैं सबसे पहले इन्होंने क्लैट यू जी क्वालिफाई किया फिर क्लैट पी जी किया उसके बाद नेट किया और अब पी एच डी में थर्ड ईयर में है और इन्होंने फिर जुडिशरी भी निकाल लिया तो अब तक की जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रही है बहुत काफ़ी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है जिससे मतलब वहाँ

तो जुडिशरी मुझे एक ऐसी फील्ड लगी कि मैं जा सकती हूँ और मतलब आई कैन चूज़ अ करियर विच एक्चुअली कैन हैव एन इम्पैक्ट जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के hmm. लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डू समिंग कि आई कैन बी अ वॉइस टू मैनी पीपल तो तब मैंने डिसाइड किया था कि आई बी डूइंग जुडिशरी अच्छा लेकिन क्योंकि काफ़ी इनकन्सिस्टेंट एग्ज़ाम है hmm. बहुत टाइम के बाद नोटिफिकेशन आई थी तो आई ऑलवेज़ हैड ए प्लान बी कि ठीक है प्लान बी रखते हैं तो इसलिए मैंने एल किया और पीएचडी की अगर ये नहीं हुआ तो एकेडमिक्स वाज माय हाँ तो, 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 तो मुझे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट भी था एक्चुअली मुझे अच्छा। और आई रिमेंबर आई थिंक इन माय फिफ्थ ईयर मैं क्लैट की कोचिंग में पढ़ाने भी जाती थी तो मुझे इतना पढ़ाने का शौक़ था उस टाइम क्लैट यूजी या क्लैट यू यूजी यूजी अच्छा, तो एक साल, हाँ, एक साल मैंने कोचिंग में पढ़ाया भी था अच्छा। तो तब से फिर ये लगा कि ठीक है अगर जुडिशरी नहीं होगा तो अकेडमिक्स अच्छा। इसीलिए फिर एल एल एम किया पी एच डी किया और अगर मैं जुडिशरी के प्रिपरेशन की बात करूं तो आई थिंक लास्ट ईयर से मैं प्रिपरेशन में लग गई थी लास्ट ईयर मैंने हरियाणा जुडिशियल uh, सर्विसेज का एग्जाम दिया उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया मेंस दिया बट मेंस नहीं हो पाया और उसके बाद से मुझे लगा कि अब मैं इस जोन में आ गई हूँ स्टिक टू इट उसके बाद अच्छा हुआ कि फिर यूपी की नोटिफिकेशन आई और फिर यूपी की आ, तो, तो मैंने की थी जैसे हरियाणा का आपने दिया हाँ। इसके अलावा भी आपको स्टेट चाहती थी जैसे बहुत सारे लोग डेली की प्रिपरेशन हाँ, करते हैं हाँ, तो ऐसा आपकी कोई प्लान था या फिर आप बस पढ़ते गए और जो आता गया उसी में देते गए एक्चुअली हाँ, यही हुआ कि जो आता गया मैं देती गई क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास जो भी स्टेट का एग्जाम आ रहा है हाँ, आप सब दें क्योंकि अच्छा, आप, आपको एक तरह से अंदाजा होता है एक तरह से एक्सपीरियंस मिलता है कि डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स जब आप दोगे तो आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती जाती है मुझे लगता है तो आप ये मतलब आपका एक प्रेफरेंस हो सकता है कि मुझे इस स्टेट में जाना है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट बट उसके अलावा आई थिंक सब स्टेट के एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है उससे बहुत ज़्यादा आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग होगी एक्सपीरियंस भी होगा तो मेरा यही था हरियाणा का क्योंकि आपके देखो कोर सब्जेक्ट्स तो हर जगह सेम होंगे वो आपके स्ट्रांग होते जाएंगे तो हरियाणा का दिया फिर यूपी का दिया बीच में और भी एग्जाम्स दिए शायद अच्छा काफ़ी सारे दिए याद जाते हाँ हाँ मैम आपने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके हाँ, रखे हैं तो दिए पता नहीं कितने होंगे जी आ, तो मैम शुरू करते हैं स्टेज वाइज प्रिपरेशन के साथ जैसे हमारे पास तीन स्टेजेस होते हैं प्रीलिम्स फिर मेंस और इंटरव्यू हाँ। तो लाइन से डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हाँ। या आपकी क्या थी मेंस में आप क्या सजेस्ट करोगे और फिर लास्ट में इंटरव्यू तो जैसे तुमने कहा कि हर एग्ज़ाम के तीन स्टेजेस होती हैं और मुझे लगता है तीन ही स्टेजेस इम्पॉर्टेंट है तीनों को इक्वल इम्पॉटेंस देना बहुत ज़रूरी है इक्वल इम्पॉर्टेंस हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आप जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी प्रपरेशन सेंट्रिक सेंट्रिक तो आ, मैंने कोचिंग नहीं ली थी अच्छा तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये पता होना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी तो अगर हम स्टेज वाइज बात करें पहले प्रिलिमिन्ररी एग्ज़ाम की तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तो के प्रिपरेशन काफ़ी मोर इतनी फोकस नहीं होती जितनी मेंस की होती इन अ वे कि प्री में, में अगर मैं पर्सनली बताऊं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि पहले से स्टार्ट करें जैसे कुछ लोग एमसीक्यू बुक्स आती हैं वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन आई um, मतलब अकॉर्डिंग टू मी विच इज नॉट द राइट अप्रोच अप्रोच तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बेरैक लें बैराट को समझें उसको अपने आप को फमिलियर कराएं कि क्या स्ट्रक्चर है कम से कम प्री के एग्जाम से पहले चार पांच बार अच्छे से आप बैराट पढ़ें उसमें कुछ भी ना छोड़ें अच्छा। जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं या इलस्ट्रेशन है सब अच्छे से पढ़ें तो आपकी आपका प्री का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा अच्छा और जैसे हमने बात करते हैं डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट सिलेबस होता है तो अगर हम यूपी की बात करें तो काफी वास्ट सिलेबस है क्योंकि जनरल नॉलेज भी आती है तो एक आपका लॉ का पार्ट हो गया दूसरा अगर जनरल नॉलेज की हम बात करें तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी आएंगे स्टैटिक जी के भी आएगा और इस बार क्या हुआ नाइन माइनर एक्ट्स ऐड कर दिए गए हाँ। हैं जैसे आपके राइट टू पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये सब एक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं तो वो भी आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स मुझे लगता है अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आप ईयरली मैगजीन्स या जैसे प्रतियोगिता दर्पण दृष्टि ये सब अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी दूसरा स्टैटिक जीके के लिए पर्सनली मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो थी घटना चक्र अच्छा। वो काफ़ी हेल्प करती हैं उसमें थ्योरी भी गिवन है उसके बाद बहुत सारे एम भी गिवन हैं अच्छा। तो वहाँ से आपकी प्रपरेशन अच्छी हो जाएगी तो प्री के लिए यही है कि आप ट्राई करें कि एटलीस्ट सब पढ़ पाएं कुछ भी लीव नहीं करना है तो प्री की प्रिपरेशन ऐसे होती है तो प्री में ये देखना होता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई नहीं होती लेकिन वास्ट होती है हाँ। कि आपको हर एक चीज कवर करनी है ऊपर ऊपर से ही इंडेक्स हाँ। याद होना चाहिए हाँ। कि इंडेक्स याद है हमें थोड़े बहुत हाँ। से याद है तो हमारा काम हो जाएगा हाँ। लेकिन फिर मेंस में पूरा अप्रोच हमारा बदल जाता है मेन्स की स्टडी फोकस्ड हो जाएगी थोड़ी इस वजह से क्योंकि आपको पता है मेन्स में कि कुछ एरियाज हैं कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक्स टॉपिक्स हैं हैं अच्छा। अब इससे क्या होगा देखो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके में कवर हो गए और अगर कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आ भी गया तो क्योंकि आपने फ्री में ऑलमोस्ट सब एक बार कवर किया था तो आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी तो मेन्स में अगर हम बात करें तो तीन एरियाज मेन इम्पोर्टेंट थे फॉर यूपी फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी का एग्जाम्पल लें जैसे जनरल नॉलेज मेन्स में भी आती है जनरल नॉलेज यूपी में लैंग्वेज का पेपर होता है और लॉ का पेपर होता है अगेन तीनों को साथ में लेके चलना है मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि आप कुछ भी बात के लिए ना छोड़ें कि हम अपना लॉ कवर कर लेते हैं लैंग्वेज तो एक दो दिन पहले पढ़ लेंगे बिल्कुल नहीं लैंग्वेज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि हरियाणा में मेरे साथ ये हुआ था अच्छा मेरे लॉ का पेपर अच्छा हुआ था बट लैंग्वेज में थोड़ा मैं लैक कर गई थी एंड आई कुड नॉट क्लियर इट अच्छा तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे एरियाज को सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दें लॉ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उन जो आपके एरियाज हैं वो आपको कैसे पता लगेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें हर स्टेट के पेपर का ट्रेंड हाँ पेपर का ट्रेंड क्या है आपको पता लग जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल सी में पता आपको है आपको रेसिडी कार्ड इम्पोर्टेंट है ठीक है सीआरएफ सी में आपको पता है सेक्शन थ्री हंड्रेड इम्पोर्टेंट है या फिर इन्वेस्टिगेशन एफ आई आर इम्पोर्टेंट है हुँ, तो हुँ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके पास आपके पास ऑलरेडी नोट्स होने चाहिए ठीक है शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आप उनको पाँच नंबर में भी लिख पाओ इलेबोरेट करके दस में भी लिख पाओ पंद्रह में भी लिख पाओ और वो कैसे बनेंगे कि आप इम्पोर्टेंट प्रोविजन लिखे लैंडमार्क केसेस लिखें केसेस के बाद अपना कंक्लूजन भी लिखे अच्छा। क्योंकि मेंस के पेपर में ये चीज नोटिस करी है कि बहुत लेंदी पेपर आता है बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। होता है कि आप टाइम पे पूरा करें हाँ बात है। वही क्योंकि बहुत लोगों के छूट जाता है पेपर हुँ। हुँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसीलिए आपको वहाँ सोचने का वक्त नहीं मिलेगा हुँ, 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 बस ये कि क्वेश्चन देखा दस बीस सेकेंड ली सब रिकॉल करने के लिए और फिर लिखना स्टार्ट करना है मतलब रुकने का टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हों सारे ठीक अच्छा। है तो वो इम्पोर्टेंट है कि और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक ये तो इसके लिए यही है कि आप एक बुक लें जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों उनको लिखें इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी क्योंकि मैंने ये भी देखा जैसे हरियाणा में क्या हुआ था एंड तक लिखते लिखते मेरी राइटिंग इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी मैंने आ, लिखा क्या है तो बहुत जरूरी है आप आंसर राइटिंग करें टाइम अच्छा। अपना टाइम स्टॉप आउट्स लगा के कि देखें कितने मिनट में आप कितना आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग भी जनरल नॉलेज आपका नॉर्मल स्टैटिक आएगा करंट अफेयर्स आएंगे इस बार क्या हुआ था क्योंकि मैंने आपको बताया नाइन माइनर एक्ट्स ऐड हो गए हैं तो प्री में इतना ज़्यादा नहीं पूछा ठीक है बट मींस में अराउंड फिफ्टी सिक्सटी मार्क्स उनसे पूछ लिया गया हुँ, हुँ, तो काफी हेल्प भी हो गया तो कुछ भी छोड़ना नहीं है एक तो ठीक है क्योंकि ठीक क्या, क्या हुआ क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ छोड़ दोगे जरूरी नहीं है कि उससे पूछा ही जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा क्योंकि तो इस बार क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो यू कैन नॉट टेक रिस्क कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें तो सिलेक्टिव नहीं करनी है हमेशा सब एटलीस्ट एक बार तो आपने देखी वो चीजें ठीक है फिर इसमें अगर हम आते हैं लैंग्वेज पे लैंग्वेज मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि लैंग्वेज भी लॉ के साथ लेके चलें साथ साथ क्योंकि ऐसे हम हाँ रोज़ करना पड़ेगा रोज पड़े पड़े क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लैंग्वेज तो हम कर ही लेंगे एंड में नहीं। लेकिन नहीं होता नहीं हो है नहीं हो पाता है वही मैम बता हैं आपको हरियाणा हाँ ट्रांसलेशन और इवन ऐसे भी क्योंकि कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कि आपको अगर नहीं वहाँ पे सोच पा रहे हो अगर अगर पहले से पहले से पढ़ा होगा तो अच्छे से लिख पाओगे बिल्कुल तो ऐसे के लिए मैं यही बोलती हूँ कुछ स्टैटिक टॉपिक्स ले लें आप जैसे हो गया आपका वुमेन एम्पावरमेंट हो गया ऑनलाइन एजुकेशन सोशल मीडिया और कुछ करंट टॉपिक्स ले लें जैसे इस बार फॉर एग्जाम्पल यूपी में पूछा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो भी हिंदी में तो मैंने दो दिन पहले ही पढ़ा था तो उस वजह से मैं लिख पाई हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ऐसे के पॉइंट्स पहले से बना के लिखें हाँ। रखें ताकि आप उनको एग्जाम में इलेबोरेट कर पाए ठीक है ट्रांसलेशन में भी बुक्स आते हैं ट्रांसलेशन की आप बुक लें उसमें रोज एक पैराग्राफ करें इंग्लिश टू हिंदी हिंदी टू इंग्लिश और जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनको अलग से लिख लें ताकि एंड टाइम पे आप वो वर्ड्स रिवाइज कर पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए भी क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें आ जाएंगे याद वर्ड्स लेकिन नहीं नहीं हैं। आते नहीं है ठीक है एकदम से अगर तो इसलिए तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी आपको रोज लेके चलनी है हाँ। फिर मेंस में अलग से अब लोकल लॉज भी आते हैं हाँ। हर स्टेट के अलग डिफरेंट लोकल लॉज होते हैं यूपी में सेवन लोकल लॉज थे काफ़ी ज्यादा थे तो उनका भी आपको अलग से सब पढ़ना पड़ेगा लोकल लॉज में ये भी होता है कि कभी कभी रिपील चीज़ें भी पूछ लेते हैं <laughs> तो हाँ जैसे एक प्रोविजन है न्याय पंचायत अच्छा। तो रिपील हो चुका है बट फिर भी पूछ लिया, पूछ लिया। हाँ। तो वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इज एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग दिस बिल्कुल सही तो लोकल लॉज भी होते हैं उनका भी आपको पढ़ना क्योंकि लोकल लॉज प्री में नहीं आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि मेंस के टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन मैं ये सबको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप प्री के टाइम में थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर दें क्योंकि इतने ज़्यादा लोकल लॉज होते हैं वो मेन के मीन्स के टाइम में फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है अगर उनको भी पहले से आप प्री में के साथ ही देखते चलें तो उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है तो आपकी मीन्स की स्टडी थी आप नोट्स बनाए और राइटिंग प्रैक्टिस करें मैम जीके में जैसे आपने बताया कि करंट अफेयर्स हाँ। के लिए व्हाट शुड वी गो फॉर आती है मार्केट में हाँ। रेगुलरली हाँ। पढ़ रही थी न्यूज के बाद आपके अब तो ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं तो करंट अफेयर्स तो ऐसी आपको रोज पढ़ना पड़ेगा और जो मंथली थी जैसे मैंने आपको बताया मंथली उन्होंने काफी हेल्प करी अच्छा हाँ, तो मंथली मैगजीन ये घटना चक्र होगी और घटना चक्र प्रतियोगिता दर्पण दृष्टि ये सारी हाँ, जो आपने रेफर हाँ, की हाँ, थी तो जीके का सेक्शन हमारा ऐसे हो जाता हाँ, है और लैंग्वेज के लिए हाँ, आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लॉ के, के साथ यानी लॉ हाँ, का सब्जेक्ट पढ़ते रहो साथ में दिन में आधा घंटा पौन घंटा दे दो अपने ट्रांसलेशन के लिए ऐसे के लिए और जीके जो आप पढ़ेंगे दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन लैंग्वेज हाँ ऐसे तो लिखना फिर उससे आसान हाँ ऐसे लिखना ये मैं यही बोलती हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर नहीं भी कर रहे हो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहना अपने आप को यू हैव टू टू बी कि आपको इतना चीज कवर करनी है और हमेशा दूसरी चीज़ सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है एटलीस्ट आप ट्राई करें कि सब कवर करना है और एक दिन में सब कवर करना है आपका रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है फिर उसके बाद जीके लॉ लैंग्वेज लैंग्वेज के बाद आपकी आंसर राइटिंग भी तो आप honestly, अगर तो हाँ। आप ऑनेस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि आपने सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकाला है और इन ऑलमोस्ट ज्यादातर जो एग्ज़ाम्स निकाले हैं भी निकाला हाँ। है तो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से हाँ। निकाला है हाँ। तो वॉट इज द की टू सेल्फ स्टडी कि आप किस तरीके से पढ़ते थे कि सारी चीजें निकल जाती थी क्या आप कुछ रेफर करते थे एक्स्ट्रा सोर्सेस तो उसके बारे में बताइए मेन तो यही है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए एक तो फोकस रहिए बहुत ज्यादा क्योंकि ऐसा होता है कि सेल्फ स्टडी में कभी कभी क्या होता है कि हम एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरा दिन और फिर एक हफ्ते गायब तो वो चीज़ नहीं करनी है नहीं। नहीं। रोज पढ़ना है कंसिस्टेंट रहना थोड़ा थोड़ा ही भले ही दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ स्टडी में ये कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है ठीक है उसके लिए मुझे लगता है यूट्यूब काफी YouTube ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है इवन आई मैं नजीब सर के क्लासेस देखती थी अच्छा हाँ, तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड टीचर हाँ वो इतने कॉम्प्लेक्स जो भी टॉपिक्स होते थे जैसे हाँ। मेरा प्रोसीजर लॉज मैंने काफी उनकी क्लासेस से कवर किया वो काफी कॉम्प्लेक्स uh, चीजें भी बहुत आसान तरीके से समझा देते थे तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड ऑन पार्ट yeah. और उनकी क्लासेस से काफी हेल्प हुई तो वहां से पता भी लगता है चीजें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है hmm. हाँ, हाँ, और काफी चीजें हैं जिसे मतलब काफी हेल्प हुई है और बाकी बुक्स है और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो कंसिस्टेंटली तो हो जाती हैं चीजें

अपने जो भी बेसिक्स हैं जो भी हैं उनको क्लियर करें और उनके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स में स्पेस छोड़ें ताकि अगर कोई चीज़ नई डेवलपमेंट आ रही है वहीं के वहीं के हो जाए। अच्छा। उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए स्पेसेस छोड़ते रहें ताकि नोट्स ऐसे बनाए और उनको रिवाइज करते रहिए क्योंकि मैम मैंने पहले भी आपको बोला टाइम नहीं मिलता है सोचने का एग्जाम में मतलब वहाँ पे एग्जाम पूरा करना ही एक अलग टास्क है बिल्कुल हाँ तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ जाके बस आप लिखें और आपका हाथ तीन घंटे बाद ही रुके ऐसा मैम आंसर फ्रेमिंग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि उन्हें लगता है कि हर एक आ, आंसर में केस लॉज ढेर सारे होने हाँ। चाहिए याद करने पड़ते हैं तो आपने किस तरीके से लिखा और आप किस तरीके से रिकमेंड करते हो क्या अच्छे मार्क्स है हाँ अब जैसे आंसर राइटिंग क्योंकि हम आर एम एल से हैं तो यहाँ की आंसर राइटिंग ने काफी हेल्प करी है मुझे लगता है क्योंकि हमेशा से ही उस तरह से पढ़ने की आदत थी कि अपना आंसर में सब चीजें इंक्लूड करनी है तो मीन्स में भी यही आप दिमाग में रखें कि आप एक आंसर लिख रहे हैं तो जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए क्या आप इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को अच्छा मेन फिर आप प्रोविजंस लिखें ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं नॉर्मल लॉ के प्रोविजंस हैं उसके बाद आप केस लॉज लिखें अब केस लॉज का ये रहता है कि अगर कोई भी लैंडमार्क टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू रिमेंबर केस लॉज ठीक है ब्रेस ड्यू डी में आप लिखोगे केस लॉ बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो, जो आपने सिर्फ प्री में पढ़ा था हाँ। या फिर इतना नहीं वो है नहीं। तो उसमें इतना आपको इतना मतलब सोचने की या फिर टेंशन लेने की नहीं जरूरत है उस टाइम पे कि मुझे कोई केस लॉ नहीं आ रहा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर आंसर में केस लॉ लिखो आप कॉन्सेप्ट लिखाओ प्रोविजन लिखाओ दैट इज इनफ ऐसा बहुत होता है मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन के मतलब आंसर्स में नहीं लिखे होंगे इस बार आपने कुछ ऐसे आंसर्स हाँ, थे जिसमें नहीं लिखे नहीं लिखे होंगे प्रोविजन हाँ, लिखे और लिखा एक्सप्लेन किया।, किया तो इम्पोर्टेंट है आप को नहीं याद हो सकते हैं हाँ, इतने, इतने सारे केस लॉस बस के ये रखें कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उन पे आपको याद हो और अगर कुछ ऐसा है कि आपको नहीं इतने अच्छे से आ रहा है तो इतना वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपना पेपर खराब करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़े जितना आ रहा है उतना लिखें हाँ हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्योंकि आपने अगर पढ़ी हैं चीजें तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आएगा यार तो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करें और वहा हाँ और उसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे वहाँ ये सोचने मत बैठ जाए जब केस लॉ नहीं याद आता है तो क्या सोचेंगे हाँ। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ अगर कोई अच्छा मीन्स के आंसर राइटिंग है तो केस लॉस भर भर के लिखने हैं वो जरूरी नहीं है आप कॉन्सेप्ट समझा दें और आंसर को लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए आप अगर अंडरलाइन करके लिख लें चीजें तो और चीजें मतलब जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट हो जाते हैं यही तरीका है तो मेंस के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता चल गया अब लास्ट पार्ट पे आते हैं अपने इंटरव्यू पोर्शन पे। कि मैम व्हाट वाज योर स्टडी स्ट्रेटजी फॉर इंटरव्यू क्योंकि आपके इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है तो उसी के साथ शुरू करते हैं यहाँ इंटरव्यू में आई गॉट सेवेंटी सिक्स मार्क्स तो इंटरव्यू जैसे मेन्स का रिजल्ट आ जाता है तो काफी ऐसे रहता है कि अब क्या करना है क्योंकि प्री मेंस का पता है कि हाँ, हाँ इतना पढ़ना है ये लिखना है।, है हाँ अब, अब इंटरव्यू का ऐसा सीन रहता है कि नहीं पता वो लोग आपसे क्या पूछ सकता है ठीक है तो इंटरव्यू का जो चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो ऑब्जर्व करी है मेंस के बाद आप ये नहीं कि सारा सिलेबस दोबारा से लेके बैठ के, के रिवाइज करने लगे सी सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ठीक है आपने सब पढ़ा आपने है आपने मेंस दिया है सो यू आर केपेबल तो आपको चीजें पता है उस टाइम पे मुझे लगता है बस जितने भी करंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते रहिए ठीक है क्योंकि वो पूछने के चांसेस होते हैं लॉ से अगर आ, आप कुछ पूछ मैं वो अगर कुछ पूछेंगे तो वो थोड़ा बहुत आप बता पाओगे ठीक हाँ। है वहाँ पे क्योंकि दे हैव जज्ड यू कि आप नॉलेजिबल हैं आपको आती है चीजें हाँ। वहाँ पे वही देख रहे हाँ। हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो दूसरा इंटरव्यू इज जस्ट फॉर हंड्रेड मार्क्स ठीक है Just, और हाँ बट yeah. <laughs> ज़्यादा बिल्कुल हाँ, ज़्यादा और time. क्या हाँ. तो इसीलिए इंटरव्यू में ज़्यादा परेशान नहीं इंटरव्यू बताऊं हाँ, 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 तो आई डोंट नो मेरा लास्ट में आया एकदम हम तीन चार लोग ही बचे थे तो सबसे और टेंशन हो जाती है कि क्या हो रहा है सब खाली होता जा रहा है तो फिर वहां बाहर आपको वेट करना पड़ता है पाँच दस मिनट फिर वहाँ वेट करते हुए फिर आ जाते हैं तो जैसे आप घुसते हैं तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं बट आई थिंक मेरा बॉड बोर्ड जो इंटरव्यू बोर्ड था काफ़ी अच्छा था वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे काम फ़ील करवा रहे थे इन्वायरमेंट काफ़ी चिल था तो उस सेंस में मैं बैठी जाके तो उन्होंने यही पूछा आप बाहर क्या सोच रही थी तो अच्छा। फिर उस टाइम पे ऐसे लगा कि चलो ठीक है थोड़ा नॉर्मल है तो मैंने बोला डर उन्होंने खुद ही बोल दिया डर लग रहा होगा मैं कहाँ सर डर भी और एक्साइटमेंट हाँ, भी है हाँ तो मतलब हाँ। ये ज्यादा सीरियस माहौल हाँ। हाँ। <laughs> 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 तो वहाँ पे फिर तो बाहर आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं कि अंदर जाके मैं बोल भी पाऊंगी हाँ। ऐसे चलना ये ऐसे ग्रीट करना बहुत हाँ। सारी चीजें होती हैं हाँ। 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 लेकिन अंदर जाके फिर मैं एकदम थोड़ा काम हो गई थी कि अच्छा। चलो ठीक है नॉर्मल हो रहा है उसके बाद जैसे मैंने आपको पता करंट टॉपिक्स पढ़ते रही रहें तो उन्होंने वही चंद्रयान पे कुछ क्वेश्चन पूछा था फिर उसके बाद दूसरे मेंबर ने पूछा कि आपको घूमना कहाँ पसंद है ऐसे फनी सी पूछे फिर लॉ लॉ के के क्वेश्चंस क्वेश्चंस मेनली भी बहुत नॉर्मल नौर, थे क्वेश्चंस कि इफ यू आर हेरास्ड बाय अ लॉयर तो आपके क्या रिकॉर्ड होंगे तो उस टाइम पे मैं नहीं सोच पा रही थी तो मैंने बोल दिया हम सुप्रीम कोर्ट चले गए बाकी <laughs> हाई कोर्ट जा सकते हैं तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट मत चले चलेगा तो काफी नॉर्मल था

तो इस तरीके से आपका पूरा कंक्लूड हुआ हाँ मैम एनीथिंग स्पेशल ऑडियंस हाँ तो uh, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो आप फोकस्ड रहें और मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि कंसिस्टेंट रहें और हमेशा ये सोचें कि क्योंकि अगर जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना रोज़ और कंसिस्टेंट रहना उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी छोड़े नहीं जो भी सिलेबस में सब कुछ कवर करें उसके अलावा अपने दिन को ऐसे डिवाइड करें कि सारी चीज़ें कवर हो जाए मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट है और एक्ट पर बहुत फ़ोकस करें बेर एक्ट पढ़ें प्री के लिए और उसके बाद घूमना फिरना जरूरी है हाँ घूमिए हाँ देखो बीच में बहुत ऐसे मजा करता है कि मजे तो किए हैं काफी <laughs> ऐसे बीच में होता है कि यार क्या कर रहे हैं अप कर देते हैं तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले लें ठीक है और जो आपको करना पसंद है वो कर लें आधे एक घंटे का ब्रेक ले लें वो इतना भी एक्सटेंड ना हो कि एक दो दिन तक चल ही रहा है अच्छा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आधे एक घंटे का ब्रेक लें फिर से अपने आप को मोटिवेट करें आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन फिर से मोटिवेट करें फिर पढ़ें और ऐसे करते रहेंगे तो हो जाएगा निकल जाएगा और इसके अलावा हर स्टेट के मुझे लगता है एग्जाम जो भी आप दे सकते हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स सारे एग्जाम आप दें उससे क्या होगा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा एकदम वो नहीं बनेगा हाइप नहीं करोगे आप बहुत नर्वस नहीं फील करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा और जब आप मेंस देते हो किसी स्टेट का तो आप उस जोन में आ जाते हो प्रैक्टिस के उसके बाद दे इज़ नो स्टॉपिंग और हमेशा हार्डवर्क तो है ही स्मार्ट वर्क भी है साथ में और हो जाएगा चलिए मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी काफी अच्छा डिस्कशन रहा थैंक यू सो मच काफी अच्छी